12 नवंबर को उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा बार को सुरंग का एक हिस्सा था और 41 मजदूर उसमें फंस गए। ये सुरंग चार धाम परियोजना का हिस्सा है, जिसे हिमालयी भूविज्ञान की नाजुकता के चलते कई वर्षों से पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण उठाया गया। निर्माणाधीन सुरंग के 2 किलोमीटर के दायरे में मजदूर फंसे थे। इनके पास पानी तक की पहुंच थी और क्षेत्र में अच्छी रोशनी भी, क्योंकि घटना के समय बिजली कनेक्शन नहीं था। पाइप के जरिए उन्हें खाना भी मुहैया कराया जा रहा था और ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही। और कल पूरे 17 दिन के बाद मंगलवार शाम को श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF के जवानों ने मलबे के बीच डाले गए पाइपों के माध्यम से श्रमिकों को बाहर निकाला। अधिकारियों ने कहा कि मलबे के अंतिम 2 मीटर के लिए मैनुअल ड्रिलिंग चल रही थी। जैसे जैसे चूहे खनिकों ने मलबे के अंतिम हिस्से में ड्रिलिंग की, पाइपों को खनिकों द्वारा साफ किए गए मार्ग से धकेला जा रहा। पाइप डालने के बाद एक एक कर मजदूरों को बाहर निकाला गया। श्रमिकों को मंगलवार शाम को बचाया गया और वर्तमान में वो अभी चिकित्सा निगरानी में है, जो कि 48 से 72 घंटों तक चलने की उम्मीद है। कुल 41 श्रमिकों में से 15 झारखंड से, 8 उत्तर प्रदेश से, 5 उड़ीसा से, 5 बिहार से, 3 पश्चिम बंगाल से, 2 उत्तराखंड से और 1 असम और हिमाचल प्रदेश से था। इसके बाद मजदूरों के बाहर आने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीके सिंह के साथ बचाए गए मजदूरों से मुलाकात की और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचाए गए सभी 41 लोगों से फोन पर बात की।